हमारी खेल मंत्री, मैं उनको ये कहता हूं, क्या यशोधरा जी खेलों में वैसे ही फिट है जैसे अंगूठी में नगीना? आपसे फिट खेल मंत्री कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए जिद चाहिए, जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए। और खेल में हमारे खिलाड़ी आगे, यहां देख रहे हैं आप, परिवार का वातावरण है, एक एक खिलाड़ी को नाम से पहचानती है। और कैसे चिंता करे वो खुद तो करती है और हमसे भी करवाती है। आज अपनी खेल मंत्री का तालियां बजा के स्वागत कीजिए। और जिनका सम्मान करने आज हम आए हैं, जिन्हें चांदोन पिपरिया को, विवेक गया हूं मैं चांदोन इटारसी को, मध्य प्रदेश को और पूरे देश को गौरवान्वित किया है, ऐसे हमारे लाडले बेटा विवेक सागर जी, जरा जोरदार तालियां हो जाए, एक बार हाल गूंज जाए। अभिनंदन विवेक, स्वागत कीजिए विवेक सागर का, अभिनंदन कीजिए विवेक सागर का, शुभकामनाएं दीजिए विवेक सागर को। तुम खूब आगे बढ़ो और नित नए कीर्तिमान स्थापित करो। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ओर से तुम्हारा हृदय से स्वागत है, तुम्हारा अभिनंदन है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, खेलों में भी जिनकी गहरी रुचि है, और लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल के, अब विवेक देखो पूरा मंत्रिमंडल आया है तुम्हारा स्वागत करने, मंत्री साथीगण, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस जी, अशोक जी आप पे भी गर्व है यार, अशोक ध्यानचंद जी का भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। शिवेंद्र जी हमारे ओलंपियन तो है ही, इनकी शादी में भी ग्वालियर गया था मैं विशेष रूप से, और अभी टोक्यो ओलंपिक में सहायक प्रशिक्षक भी थे, एक बार शिवेंद्र जी का भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। खेल जगत की अनेकों हस्तियां आज यहां उपस्थित है, पूर्व ओलंपियंस, भविष्य में मेडल लेने लेके आने की संभावनाएं जिनमें भरी है, ऐश्वर्य आए कोई चिंता नहीं बेटा, शानदार खेले, और प्राची अभी जाएगी मेडल लेके आएगी। यहां उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण और मेरे लाडले खिलाड़ी भांजो, नहीं प्यारे भांजो, लाडली भांजियो, आज हम सब गर्व से भरे हुए हैं। हर एक भारतवासी का माथा आज गर्व से उन्नत है। हॉकी के पुराने चैंपियंस हैं बैठे हुए हैं, हॉकी इतिहास जैसा बन गई थी, हम कहते थे अरे हॉकी में हमारे भी दिन थे। ये भारत की पुरुष हॉकी टीम ने केवल कांस्य पदक नहीं जीता है, ये भारतीय हॉकी का पुनर्जागरण हुआ है, फिर से जगी है हॉकी। अच्छा, जो तरीका बदला, अभी संचालक महोदय बता रहे थे, अब हम तो मैदानों में खेलते थे, अब भोपाल में भी बर्रू काट भोपाली, अपनी देसी स्टिक देसी मैदान होते थे। और जैसा आपने देखा मेजर ध्यानचंद जी 24-24 गोलों से हराते थे हम दुनिया के देशों को,
बाद में हॉकी खेलने का तरीका बदल दिया गया, खिलाड़ियों में कमी नहीं थी, एस्ट्रो टर्फ आ गई, हमारे यहां एस्ट्रो टर्फ थी नहीं, खेलने का वैसा अनुभव नहीं था, उसलिए हॉकी में हम पिछड़ गए थे। लेकिन एक बार फिर भारत की दोनों हॉकी टीमों ने, पुरुष हॉकी टीम भी, हम शानदार खेले, दो ही मैच हारे मैं समझता हूं पूरे टूर्नामेंट में, बाकी सारे जीतते चले गए। और हॉकी महिला टीम ने भी गजब कर दिया, चौथे नंबर पर ही कोई बात नहीं, लेकिन जैसा खेली, खेल में भले हार गई हो, देश का दिल जीत लिया। मतलब हमने उस समय तय किया कि जीतने पे तो मेडल मिलते ही है, पुरस्कार मिलते ही है, हमने तय किया कि महिला हॉकी टीम की हर एक बेटी को 31 लाख रुपए के सम्मान से सम्मानित किया जाए। यशोधरा जी जब समय हो तब बुला लो एक बार, महिला हॉकी टीम का भी सम्मान करना है, उनका दिल टूटने नहीं देना और हौसला बढ़ाना है। मुझे विश्वास है कि चाहे पुरुष हॉकी टीम हो और चाहे महिला हॉकी टीम हो, आने वाले समय में स्वर्णिम इतिहास रचेगी, शुरुआत हो गई है। और आज विवेक के साथ यशोधरा जी भी थी, हमने तीन पेड़ लगाए और ये पेड़ लगाए हॉकी के पुनर्जागरण के लिए, जो प्रयास हो सकते हैं सब प्रयास करेंगे संकल्प के साथ। खिलाड़ियों को सुविधाएं चाहिए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, वो सारे देश की प्रेरणा है। एक एक खिलाड़ी से बात करते थे फोन पे, हमने भी विवेक से तो बात की थी, शिवेंद्र जी से भी बात हुई थी मेरी, खेलो इंडिया सर्च टैलेंट, अरे हम खिलाड़ियों को सुविधा ही नहीं देंगे, बुनियादी व्यवस्थाएं नहीं करेंगे, टैलेंट सर्च नहीं होगा, ठीक कोच नहीं होंगे, उसके लिए धनराशि नहीं होगी, तो कैसे हमारे खिलाड़ी चमत्कार करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश कर रहा है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, वो हमारी प्रेरणा है। लेकिन राज्यों की भी ड्यूटी है, हर राज्य तय कर ले कि मेरे राज्य के खिलाड़ी आगे बढ़ने में उसके कोई बाधा नहीं रहने देंगे। अब आप विवेक को ही देख लीजिए, विवेक चांदोन पे परिया के, होशंगाबाद जिले का गांव, इटारसी में खेले, वो मुझे बता रहे थे कान में, डाक साहब ने भी बड़ी मदद की है मेरी, हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। अब विवेक देखिए, प्रतिभा को प्रकटीकरण के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, विवेक साधारण परिवार से आते हैं, पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, माँ हाउस वाइफ है, भैया भी पढ़ के इंजीनियर है, बहनें पूनम पूजा है, और जब ये बचपन में हॉकी खेलता था तो पिताजी डांटते थे पढ़ नहीं रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, पिताजी भी यहीं बैठे हैं, रोहित जी आप चिंता नहीं करें, मेरे पिताजी भी मुझे बहुत डांटते थे कि नेतागिरी में पड़ गया, लेकिन मैं भी नहीं माना, मैंने तो मार खाई चाचा के हाथों के, नेतागिरी में पड़ गया पढ़ नहीं रहा, क्योंकि माता पिता चाहते हैं पढ़ने के लिए कोई अच्छी नौकरी वोकरी कर ले। लेकिन आज मैं सब माता पिताओं से कहना चाहता हूं, बच्चों में टैलेंट है, खेलने से रोकना मत, पढ़ने भी देना लेकिन खेलने भी देना। पता नहीं किसमें विवेक छुपाओ, ये टैलेंट है, प्रतिभा है, क्षमता है, बस इसको प्रकटीकरण का मौका मिल जाए। अब ये विवेक बचपन से खेलते थे 8-9 साल की उम्र से, और हॉकी की स्टिक नहीं मिलने में कई बार टूटी हॉकी जोड़ जोड़ के खेलते थे,
और यही जुनून होता है। अब हीरे की परख पारखी कर ही लेता है, अशोक जी ने प्रतिभा पहचान ली। अशोक जी आपको भी धन्यवाद, और हमारी हॉकी अकादमी लेके आ गए, अपने घर पे भी रखा। मध्य प्रदेश की हॉकी अकादमी में विवेक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रारंभिक प्रशिक्षण ये हुआ, और उसके पहले आयुध निर्माणी में खेलते थे विवेक। और सचमुच में हॉकी स्टिक सीनियरों से और दोस्तों से सूझ मांग के भी मिट्टी वाले ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था विवेक। आज अपनी लगन से मैं देख रहा था, विवेक की माताजी भी यहां पे हैं, कमला देवी, उनकी आंखों में मैंने बार बार आंसू देखे। आज आपको भी प्रणाम, आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। ऐसी सारी माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और जीतने के बाद विवेक की एक ही हसरत थी, अपनी मां कच्चे छोटे से घर में रहती है, एक पक्का घर बनवा दूं। आज मैं कमला देवी से पूछना चाहता हूं, बताओ मेरी बहन कहां मकान चाहिए। तुमने गौरवान्वित किया है, और इसलिए जहां कमला देवी कहेंगी वहां राज्य सरकार मकान उपलब्ध करवाएगी, रहने के लिए पक्की छत। हम कैसी मां की भावनाओं का सम्मान करना होगा, ताकि ऐसे बेटे पैदा होते रहें और भारत माता का नाम दुनिया के आकाश में लगातार ऊंचा होता रहे, तिरंगा गर्व से फहराता रहे, बार बार राष्ट्रगान गूंजे। और आज का संकल्प यही है कि और विवेक पैदा हो, खूब खेलें, आगे बढ़ें। और ये यशोधरा जी, भगवान करिए कोरोना की तीसरी लहर ना आए, टैलेंट सर्च पर तुरंत काम कीजिए, और खेलो इंडिया, खेलो मध्य प्रदेश, गांव गांव से बच्चे ढूंढने का अभियान चलाइए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आपको आश्वस्त करता हूं, ऐसी प्रतिभाओं को तराशने में जितनी भी धनराशि की जरूरत होगी मध्य प्रदेश खर्च करेगा। आखिर एक एक योजनाओं के हम करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, एक एक सिंचाई की योजना में दो दो चार चार हजार करोड़ खर्चा करते हैं। क्या अपने बच्चों को तराशने पे हम खर्च नहीं करें? क्या देश का सम्मान बढ़ाने में जिस पल का हम बरसों से इंतजार करते हैं वो धनराशि खर्च नहीं की जा सकती? हरियाणा को भी मैं बधाई देता हूं, कई खिलाड़ी निकले जिनने भारत का मान बढ़ाया है। हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश की धरती से हम ऐसे और खिलाड़ी जो निकल रहे हैं और निकालेंगे। हमें गर्व है मुस्कान पे, हमें गर्व है हर्षिता पे, हमें गर्व है चिंकी पर। और अभी शुभकामनाएं दी है हमने प्राची को भी, ऐसे खिलाड़ियों के विकास में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी। मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूं, खेलना पूरी लगन से, मेहनत से, उत्साह से, और विवेक ने जो मंत्र दिया है उसका पालन करना। अगर जिद है, जुनून है, जज्बा है, संकल्प है, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। आज विश्व युवा दिवस है, लेकिन हम मनाते हैं देश का युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर। और स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उन शब्दों को ध्यान में रखना, वो हमेशा मुझे भी प्रेरणा से भर देते हैं। वो कहते थे, हमसे तुमसे वो कह रहे हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अमृत के पुत्र हो,
तुम अमर आनंद के भागी हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे खिलाड़ी बेटा बेटियों, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कोई ताकत तुमको मेडल लेने से नहीं रोक सकती। तुम खूब आगे बढ़ो, यही शुभकामनाएं। लंबे भाषण की जरूरत नहीं है। हम कैसे तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं जुटा पाए, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब हमारी एस्ट्रोटर्फ तो है ही शानदार, लेकिन शूटिंग अकादमी क्या बनाई है यशोधरा जी। सचमुच में आप कभी देख क्या ना, मैं मंत्रियों से भी कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी हमारी बनी, देख क्या ये बहुत शानदार बनी है, विश्व स्तरीय बनी है। ऐसे और संस्थान भी हम खड़ा करेंगे, फाइलें चलेगी, पैसा मंजूर होगा, बेटे बेटी खेलेंगे और मेडल आएंगे, ये हमारा संकल्प है। शिवेंद्र को लेकिन हमने आज केवल साल श्रीफल में निपटा दिया। ये सहायक प्रशिक्षक है, इसलिए 25 लाख रुपए की सम्मान निधि इनको भी भेंट की जाएगी। आज हम नहीं कर सके, हम क्षमा चाहते हैं। अपने सारे कोचेज को मैं प्रणाम करता हूं, जो गुरु है जिनसे सीखते हैं लोग। और फिर एक बार माता पिता को ये कहते हुए कि बच्चों के खेल में बाधा मत बनना, उनकी प्रतिभा को प्रकट होने देना, सरकार उनके साथ है। और आज मैं विवेक से कह रहा था, मैंने कहा तो ये विवेक सकपका गए थोड़ा, गाड़ी में मैंने कहा कि डीएसपी बना दे, तो बोले डीएसपी बनूंगा तो खेलूंगा कैसे। तो मैंने कहा डीएसपी इसलिए थोड़ी बना रहे कि आप पीएचक्यू में आके बैठ जाओ, अरे तुम तो हॉकी खेलना, डीएसपी मध्य प्रदेश सरकार वैसे ही बना देगी, खेलते रहो और करते रहो, तो क्या दिक्कत। तो विवेक आज से मध्य प्रदेश पुलिस के डीएसपी भी हैं। और ये जब तक खेलने की उम्र है खेलते रहो बेटा, डीएसपी बने रहो, तुम्हें और क्या दें हम, तुमको हमारी उम्र लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।